तो बच्चों, कल मैंने आपको क्या डिस्कस किया था कि कभी भी अगर किसी लाइट को आप मेटल सरफेस पे अलाउ करते हो ऐसा गिरने के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। डिपेंड करता है आपने कितना ज्यादा फोटॉन भेजा है, और सभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम ना होकर के अलग अलग भी होता है। अब ये जो फिनोमिना है जिसमें लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, अगर इसको अच्छे से सेटअप बनाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे प्लेट तक लेके जाएगा, पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा। और फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है बेटा, पर यूनिट टाइम करंट होता है, तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेटा, करंट ये पैदा करेगा। तो इस वजह से इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर मैं आगे थोड़ा जल्द चलने की कोशिश करूं, तो कुछ खास बातें ऑब्जर्वेशन में आया। मैंने क्या बताया था कि जब इस रेडिएशन जो इस पे गिर रहा है प्लेट पे, अगर इसके फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ा या घटा रहे हैं, तो उससे काइनेटिक एनर्जी का ऑब्जर्वेशन किया, घटाते घटाते एक वैल्यू से नीचे चला गए, तो देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ये बड़ा गजब हो गया, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर दिए तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो रेडिएशन का एनर्जी कम होता है, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दो तो एनर्जी तो बढ़ेगा, वेव के हिसाब से एनर्जी बढ़ रहा है, तो ये क्यों हो नहीं रहा है, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे इलेक्ट्रॉन गिरा वैसे ही फोटॉन इसमें से, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है, जैसे ही फोटॉन इस पे गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कि कोई टाइम लैग नहीं था। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आई, इनको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट को क्या एज्यूम करना पड़ा कि जब तक हम लाइट को ऐसा नहीं मानते हैं कि ये पैकेट से बना हुआ है, पैकेट या पार्टिकल से बना हुआ है जिसका डायमेंशन इलेक्ट्रॉन के ही डायमेंशन के आसपास है, तब तक हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद लाइट को एक पार्टिकल की तरह मान लिया गया, उसको फोटॉन की तरह मान लिया गया, फोटॉन का एनर्जी एच न्यू, सिंगल फोटॉन का एनर्जी एच न्यू बेटा, और उसको आप लाइट का इक्वेशन, ये आपको मालूम ही है कि वेव स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से जब आप एच न्यू को रिप्लेस करोगे यहां से, तो सी बाई लैमडा आ जाएगा, तो ये एच सी बाई लैमडा। और मैं बताया था एच भी एक कॉन्स्टेंट है बेटा, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, और सी भी एक कॉन्स्टेंट है। एच का वैल्यू कितना है, ये एच का वैल्यू है सर। सी का वैल्यू कितना है, ये इतना है, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। जब आप रखोगे, और अगर आप वेवलेंथ को नैनोमीटर में रखते, इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये एक वैल्यू आएगा, जो फोटोन का एनर्जी आता है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो इतना आएगा। आ रहा है बात समझ में? या तो आप यस ई इज इक्वल टू एच न्यू निकालो, या अगर आप एसआई यूनिट में नहीं निकालना चाहते हो तो आप फोटॉन का एनर्जी ऐसे भी निकाल सकते हो, 1:1 फोटो बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। फिर मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया था कि क्यों नहीं निकलता है आखिर। तो मैंने बताया था बच्चों कि जब आप एक फोटॉन का एनर्जी मान लीजिए कि जो इसमें एटम में गिर रहा है बेटा, तो एटम भी तो अपने न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। अगर कोई एटम अपने न्यूक्लियस से बाउंडेड है, निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका एक सर्टेन एनर्जी, अगर आप उस एनर्जी से कम करेंगे एक एक पैकेट का एनर्जी या एक फोटॉन का एनर्जी, अगर आप मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है, उसके लिए आपको इसका एनर्जी 10 से ज्यादा कम से कम करना पड़ेगा। तो यही मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई लाइट आप भेज रहे बेटा, अगर उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी 35 है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर अटैच्ड है उसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये बंधा हुआ है, तो अब अगर ये फोटॉन इस पे जाकर के गिरता है, तो जिस इसको जितनी एनर्जी चाहिए थी 10, उससे ज्यादा एनर्जी हम दे रहे हैं, तो बाकी बची हुई एनर्जी को क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज करेगा। वही हालत यहाँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, चूंकि अंदर है इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है बेटा, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से इसका बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो अगर आप ये इस पे गिरता है, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा, क्योंकि 35 हम दे रहे हैं, 30 तो वो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए ले रहा है, बाकी जो बची हुई एनर्जी है
उसी को लेकर के तो वो कहां जाएगा, बाहर निकलेगा मेटल को छोड़ करके। यहां तक बात समझ में आई सबको? तो मैंने आपको बताया था बच्चों यस कि जो कोलिजन हो रहा है फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो 1 बाई 1 हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 10 फोटॉन एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन पे टकरा गए, ऐसा नहीं हो रहा है। एक फोटॉन का कोलिजन एक ही इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। और मैंने ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था बेटा, फोटॉन का स्पीड, लाइट का स्पीड दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड है। इससे ऊपर दुनिया में कोई भी स्पीड आज तक डिटेक्ट नहीं किया गया है। और अगर हम आइंस्टीन की बात को माने तो इससे ज्यादा स्पीड दुनिया में कहीं होता भी नहीं है। टाइम बदल जाएगा, स्पीड नहीं बदलेगा। थियरी ऑफ रिलेटिविटी उनका। तो खैर बच्चों, ये जो स्पीड 3×10⁻⁷ इतना फास्ट है, तो कई बार होता है आप हजारों हजार फोटोन भेज दो, चाहे उसका एनर्जी भले ही ज्यादा रहे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में कामयाब कई बार नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों, लाखों आप फोटोन भेजोगे तो हो सकता है कुछ 100, 200, 1000 के आसपास इलेक्ट्रॉन निकल जाए। आ रहा है बात समझ में? उसको बोलते हैं फोटोन एफिशिएंसी, कि कितना भेजा और कितना निकला। क्योंकि टेक्निकली अगर कायदे से एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन पे टकरा जाए और उसका एनर्जी ज्यादा हो इसके बाइंडिंग एनर्जी से, तो इसको तो निकल जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इसका स्पीड इतना ज्यादा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहा है तब तक यहां से ये सीधा निकल गया, तो कई बार चांसेस है बेटा। और ये स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटे में दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में उस फोटॉन के डायमेंशन के लिए बहुत बड़ा स्पेस है। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड मैंने आपको बताया था कि बच्चों कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे लिखना है। तो जो एनर्जी आपने फोटॉन के द्वारा दी उसको अपने जो बाइंडिंग एनर्जी है, जिसको हम वर्क फंक्शन भी नाम दिए, ठीक है, उसको ओवरकम करने में, प्लस जो बचा कुचा एनर्जी है उसको अपने काइनेटिक एनर्जी में खत्म करेगा। इसीलिए दिया गया एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन के सम के बराबर, क्योंकि एनर्जी तो कभी लॉस नहीं होती है, वो तो अपना फॉर्म चेंज करती है। आ रहा है बात समझ में बच्चों? तो यहां तक मैंने डिस्कशन किया था, और उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन दिया था कि ईपी मतलब सिंपली HC/λ, और ये फाई क्या है, तो फाई वर्क फंक्शन है। ये क्या होता है भाई, तो ये कम से कम कितना एनर्जी दे दिया जाए इस मेटल को जिससे कि उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो यही डिफाइन किया था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, जब एनर्जी मिनिमम चाहिए तो हम फोटॉन से अगर हम मॉनिटर करना चाहें तो हम इसको घटाते घटाते एक ऐसी वैल्यू पे लेके आता है जिसके नीचे दिख ही नहीं रहा है। तो जो लिमिटिंग वैल्यू आया, जहां तक हमें दिखाई दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसी मिनिमम वैल्यू से हम फाई निकाल सकते हैं बेटा। तो फाई इज इक्वल टू H×ν₀। ν₀ को क्या बोला मैंने, एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी बोला जिसका नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड मतलब इससे नीचे चले गए तो नहीं हो सकता है सर, इससे ऊपर रहोगे तो एनर्जी ज्यादा रहेगी आने वाले फोटोन का, तो हो जाएगा। तो कम से कम इतना तो चाहिए। और उसी को अगर वेवलेंथ के टर्म में बोले तो λ₀, और कल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आज एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको करके मुझे फाइनली बताइए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, और आपको ये 10 नैनोमीटर का यहाँ से रेडिएशन दिया है और λ₀ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू दे दिया है मैंने। तो एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि वर्क फंक्शन कितना है। ये वैल्यू कितना है तो आपको याद है क्या होता है, अगर होता तो वैसे H×C/λ₀ है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं तो 1242/λ₀ इन नैनोमीटर और ये आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो फाई मैं निकाल के देख रहा हूँ, फाई कितना आ गया भाई, 1242/λ₀। λ₀ कितना है बेटा, 200 एंगस्ट्रॉम है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 200 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर, ओके या नहीं? यस सर। तो बस अब 1242 डिवाइडेड बाई,
अब मैं यहां से 20 करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेरा एनर्जी आ जाएगा, तो अगर मैं तो आ जाएगा 124.2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2.1। करेक्ट लिख रहा हूं यस बेटा? ये तो आ गया फाई का वैल्यू। अब हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ द फोटॉन। और वो कितना आया, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन E इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा, या 1242 बाई लैमडा इन नैनोमीटर। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितना आया बेटा, 1242 बाई ये वेवलेंथ कितना था बेटा, कितना है ये, 10 नैनोमीटर। वो तो सीधा नैनोमीटर में था, तो ये आ गया 124.2। अब तो सॉल्यूशन खत्म हो गया मेरे ख्याल से, अब तो आ गया सब कुछ। नहीं, जब आप इतना तक समझ गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि इसके बाद क्या करना था, ये तो क्वेश्चन एंडिंग पे था कि सर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 5 + KE max। यही तो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक का। यहाँ पे रखेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन 124.2 था, इज इक्वल टू फाइव का वैल्यू 62.1 है, प्लस के ई मैक्स। तो सॉल्व करके कितना आ गया के ई मैक्स, तो 124.2 माइनस 62.1 कितना आ गया, 62.1 है कि नहीं बच्चों? यस सर। कोई बात नहीं बच्चों, अब ये सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है आपके सामने, है स्क्रीन पे क्वेश्चन कि ये एक आपके पास मेटल प्लेट है बेटा, और ये तीन तरह के रेडिएशन इस पे गिराए गए, वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 2 वाला, वेवलेंथ 3 वाला। और इन तीनों तरह के मटेरियल में क्या खास बात है कि इन तीनों तरह के जो वेव्स हैं इनका क्या खास बात है कि एक का 500 नैनोमीटर है, दूसरे का 1000 है, तीसरे का 2000 है। और मैंने ये जो मेटल है उसका आपको वर्क फंक्शन दे दिया है, कितना दिया है बेटा, 1.2। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ इसमें से जितने तीनों रेडिएशन भेजे गए हैं इनमें से कौन कौन ऐसा है जो फोटो इलेक्ट्रिक करेगा। मैंने स्पेसिफिकली पूछा है कौन इनमें से ऐसा है जो नहीं करेगा, थर्ड वाला नॉट शो इलेक्ट्रिक, लैम्डा 3। अच्छा ठीक है, एक मिनट का टाइम देते हैं बाकी लोग भी करें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या करना है बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा है लेकिन करो, एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, करो। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम एनर्जी जब निकालेंगे E1 तो वो आ रहा है हमारा H C 1242 डायरेक्ट लगाते हैं क्योंकि नैनोमीटर में ही देखना है, 1242 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, तो 1242 बाई 500। अब ये निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आ गया 12.42/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 2.4 8 एंड 4। करेक्ट लिख रहे हैं, इतना ही आएगा ना?
यस सर। और जो E2 निकालेंगे बेटा वो कितना आएगा, 1242 बाई लैम्डा 2, और वो आ जाएगा 1242, और लैम्डा 2 का वैल्यू कितना है बेटा, 1000। तो 1000 लगाएंगे तो कितना आ गया, ये आ गया सीधा 1.242। और E3 अगर हम निकालें तो वो आ जाएगा 1242 बाई 2000, तो मतलब जो इतना वैल्यू था उसका भी आधा 0.621 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्लियरली ये हमको मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जो एनर्जी है फोटॉन का वो तो ज्यादा होना चाहिए ना वर्क फंक्शन से, या कम से कम बराबर तो होना ही चाहिए। अब आप बराबर भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, फिर तो चांसेस नहीं है। तो अब इनमें से कौन सा रेडिएशन है जिसका एनर्जी कम है पाई से, तो आप देखिए 0.621, बाकी ये दोनों तो ज्यादा ही हैं। फाई 1.2 था, 1.242 तो इससे ज्यादा ही है, तो होगा यहाँ पे भी होगा। और दूसरा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए जिसमें नेगेटिव आ जाए, वो तो संभव नहीं है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब वहां पॉसिबल नहीं होगा। आप वैसे भी करके सोच सकते हैं। क्लियर हुआ सबको बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया बात बच्चों, बहुत। ये जो टॉपिक अब मैं आपको इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताने वाला हूँ, उसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बड़ा पूछता है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज है? तो जैसे आप ये समझिए बच्चों, क्या हो रहा था अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने ये दो प्लेट लगाया था, ठीक है, मेटल का प्लेट लगाया था, और इस प्लेट पे हमारे और एक प्लेट पे हमारे क्या, यहाँ लाइट गिरा रहा था मैं, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से, बोलिए। यस यस सर, यस सर। अब निकल रहे थे, तो अब मैं तो ये काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे इस प्लेट से यहाँ से, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंचेंगे, और जैसे ही पहुंचेंगे तो करंट आने लगेगा। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले प्लेट पे हमें नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, बोलिए, और इस वाले प्लेट पे हमको पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ, ये नेगेटिव वाले इसको इधर धकेले और ये प्लस वाले उसको अपनी तरफ खींचे। अगर ऐसा हम करने में कामयाब हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम कम करना शुरू कर देंगे। क्यों भाई? अगर कोई चीज इधर भाग रहा हो, फोर्स इधर लग रहा हो, 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का लगातार, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा, 30 के बजाय 20 होगा, 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाए हैं, 20 के बजाय 10 होगा, फिर धीरे धीरे करते करते एक टाइम आएगा 0 भी हो जाएगा, बोलिए। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर आपको मालूम हो, चार्ज लाने के लिए प्लेट में हमें बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, और बैटरी ऐसा लगाना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल इतना बढ़िया हो, इसका पोटेंशियल V, इसको पोटेंशियल बोल रहे हैं, इसका पोटेंशियल ऐसा हो जो कि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने में कामयाब हो जाए, जस्ट कामयाब हो जाए। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल उसी को डिफाइन करते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने से रोक दे, लेकिन हायर वैल्यू करेंगे तो रुक ही जाएगा, तो ऐसा कम से कम कौन सा वैल्यू है जिस पे ये रुक जाता है, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे?
मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल, मिनिमम रिवर्स पोटेंशियल दैट इज अप्लाइड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंचे तो हमें करंट आएगा ही नहीं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा रुक गया. या आप अगर और प्रिसाइज बोलना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि टू स्टॉप करंट या टू सीज करंट, करंट को जीरो कर देने के लिए. अब बच्चों ये कितना होना चाहिए और इसका इसके साथ क्या रिलेशन है? तो बहुत सिंपल है बच्चों, एक हम रूल बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा. जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है के ई मैक्स, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए? चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्रॉप के. पोटेंशियल ऑफ बैटरी, सही मायने में बोला जाए तो वो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट कोई बात नहीं, रफली हम ऐसा लगा लेंगे. ये एक रिलेशन है, आगे चल के आपको डिराइव कराया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th क्लास में. अभी के लिए आप मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, ये एक फॉर्मूला मान लेंगे सब लोग. Yes, sir. तो बच्चों अब ये चार्ज का वैल्यू कितना, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है जी? सर ई होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ई जहाँ पे ई का मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, क्योंकि ई को चार्ज भी बोलते हैं बेटा. ई इलेक्ट्रॉन तो है ही, ई चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है. तो ई इंटू वी वोल्टेज, हम कैपिटल वी लिख रहे हैं बड़ा सा, ये वोल्टेज है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला आपको याद होगा कितना था, अगर आपको याद हो फोटो इलेक्ट्रिक से, तो क्या था बेटा? हाँ, ep is equal to 5 plus काइनेटिक एनर्जी, याद आ रहा है? Yes. तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा, क्या हम लिख सकते हैं ep minus 5? Yes, sir. तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज आ रहा है वी, वो कुछ और नहीं बल्कि फोटोन का एनर्जी डिवाइडेड बाई ई माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई होगा. बोलिए बच्चों. Yes, sir. Yes. अब अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं एच इंटू न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस, इसको लिखना चाहूं तो एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो बदलने वाला क्या क्या चीज है यहाँ पे. पहला चीज जो बदलने वाला है वो ये, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज. और दूसरा बदलने वाला चीज क्या है, ये फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो ये दो चीजें हैं बच्चों जो कि बदल सकती हैं, है ना. अब बच्चों ये जितनी भी दो चीजें मैंने आपको बताई हैं जो बदल सकती हैं, अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो अगर जिन्होंने ये थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सीखा है, नहीं भी सीखा है तो कोई बात नहीं, हम इसको तुलना करते हैं किससे, y = mx + c से. सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, y = mx + c. बच्चों ये जो ग्राफ है इसको बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है.
जहां पे एम को क्या बोलते हैं स्लोप और सी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट। थोड़ा ध्यान से, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो भी एक तरीका हम बता देंगे, लेकिन ये थोड़ा बढ़िया तरीका है, सभी को सीखना चाहिए आपको। तो इस एक्सिस पे अगर मैं वोल्टेज रखता हूं बच्चों, और एक्स वाले एक्सिस पे अगर मैं क्या फ्रीक्वेंसी रखूं, इधर मैंने वोल्टेज रखा हुआ है, और ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है बच्चों? ये कुछ और नहीं, कोई नॉर्मल वोल्टेज नहीं है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसको अगर मैं रखूं और मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो बच्चों जो इसका स्लोप है, स्लोप ये एच बाई ई है, तो जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो बेटा ये, और इंटरसेप्ट देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये एक नेगेटिव संख्या है, क्योंकि एच भी पॉजिटिव, न्यू नॉट भी पॉजिटिव, ई का जो वैल्यू है वो आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये जो ई का वैल्यू है वो आप चार्ज है, तो इसको भी आप पॉजिटिव में ही यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पॉजिटिव होता है, मैंने आपको यहाँ पे सिखाया ई का मतलब हमारा ये वैल्यू है, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ निकल के आएगा। सभी लोग ध्यान से सुने, आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो बच्चों ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, नेगेटिव में और ऐसे करके जाएगा, ये है एक्चुअल ग्राफ। तो आप एक एक चीज समझ लीजिए कि जो यहां से बच्चा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से या फ्रीक्वेंसी एक्सिस से, अगर हम उसको थीटा माने, तो टेन थीटा ही स्लोप होता है, और स्लोप कितना है एम, और वो कितना है इस केस में, हमारे केस में एम का वैल्यू कितना है एच बाई ई। तो स्लोप का वैल्यू एच बाई ई है, ये एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी, और वाई के जगह पे क्या है बेटा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है, ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस पे, ये इसका अगर ओरिजिन से आप देखेंगे तो ये नेगेटिव में है, तो मैं उसको ऐसे ही लिख दे रहा हूं माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। ये पूरा पूरा ग्राफ आया। अब देखो जिनको ये सब बहुत ज्यादा नहीं मालूम है ग्राफ वगैरह के बारे में, उनके लिए मैं समझाता हूं कि कैसे करना है। बच्चों आप मैथमेटिक्स फिजिक्स वाले सर ने आपको थोड़ा पढ़ाया होगा, अनिल सर ने थोड़ा बहुत आपको बताया होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, ये सब बताया सर ने मैथ में, ये वाली इक्वेशन बताई। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों स्ट्रेट जिनको नहीं मालूम है वो ऐसे समझ ले कि बच्चों ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जीरो कब होगा, जब इसको आप जीरो करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा ना कि ये जीरो तभी होगा, इसको जीरो करके देखिए, फिर आएगा एच न्यू बाई ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट बाई ई। तो मतलब सिंपली न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट पे, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट पे यहाँ जीरो होगा। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया जीरो का। और उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि कब x का वैल्यू जीरो होगा, x मतलब न्यू का वैल्यू, इसको जीरो कर लीजिए तो उस पर वोल्टेज कितना आ रहा है नेगेटिव, तो जैसे ही आप इसको जीरो करेंगे तो वोल्टेज आर एच न्यू नॉट बाई ई, तो बेटा वो देखिए आप यहाँ पहुंच गए।
तो जब x का वैल्यू जीरो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जीरो है, तो उस समय यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आया बच्चों। तो ये था स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट, अब वो क्या चीज है सैचुरेटेड करंट, वो भी समझ लेते हैं। तो बच्चों अगर हम ऊपर आए वापस अपने इसी वाले ग्राफ में, हम शुरू वाले में जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना बच्चों, आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। तो इतना तो साफ समझ में आता है ना कि आई प्रोपोर्शनल टू किसके है, क्यू बाई टी। भाई अगर आई इज इक्वल टू एक्चुअल में क्यू बाई टी है, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, अगर सेम टाइम में चार्ज बढ़ रहा है तो। और चार्ज कैसे बढ़ेगा बच्चों, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से यहां जाए तभी ना। यस बोलिए। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब निकलेंगे बच्चों, जब हम ज्यादा फोटोन भेजे, बहुत सारे फोटोन भेजे। ये अगर हमारा प्लेट है, बहुत सारे अगर हम फोटोन भेजते हैं, बहुत सारे फोटोन भेजते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। बोलिए। यस तो ज्यादा फोटोन भेजना, इसका मतलब उसी को हम इंटेंसिटी के फॉर्म में बोल रहे हैं। अगर बच्चों आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा तो सैचुरेटेड करंट बढ़ेगा। अब ये सैचुरेटेड करंट का मतलब क्या है कि भाई जैसे शुरू में आप डालेंगे जैसे ही यहाँ पे लाइट, तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ जाने में उसको समय लगेगा ना। तो शुरू में कुछ पहुंचे, थोड़ी देर में कुछ पहुंचे, तो जब ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, यानी इनफ्लो आउटफ्लो बैलेंस हो जाएगा, तब उस समय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आएगा। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करूं सैचुरेशन करंट, करंट वर्सेस टाइम का, तो बच्चों कुछ इस तरह से आएगा कर। कि शुरू में जब t इज इक्वल टू जीरो पे जब लाइट जस्ट गिरा तब तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा नहीं है, तो ऐसे केस में कोई करंट नहीं आया, जीरो है। लेकिन जैसे जैसे पहुंच रहा है करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब ये पूरी तरीके से पहुंचना शुरू कर दिए इधर, और ये इधर से फिर पूरा सर्किट बना के आना शुरू कर दिया, तब तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना। तो ये जो सेचुरेट हो रहा है बच्चों, ये जो सेचुरेट हो रहा है मतलब जो रुक जा रहा है बाद में जा करके एक ही वैल्यू पे हो जा रहा है फिक्स, इसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। अब अगर सेचुरेशन करंट को बढ़ाना है तो हमारे पास क्या रास्ता है, तो मैंने आपको क्या बताया सेचुरेशन करंट कब बढ़ सकता है, जब आप क्या बढ़ाओ बेटा, बैटरी लगा दो, इंटेंसिटी, फोटोन की संख्या। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो यही करंट का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है बात। तो इसी तरीके से हमें सोचना है। खैर ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में कम, फिजिक्स में भी एक मॉडर्न टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, वहां पे आपको ज्यादा पूछा जाएगा, कभी कभी कुछ जगहों पे दे देता है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे उतना खास डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि एक बार जब सैचुरेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आ रहे हैं वो मायने ज्यादा रखता है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा करंट। तो बच्चों इसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक पे सारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वरना लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। अगले क्लास में मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ क्या पढ़ेंगे हम लोग। अगले क्लास में हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। व्हाइट लाइट अगर हम भेजते हैं प्रिज्म से तो कैसे ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, इसके बारे में। और स्पेक्ट्रम के साथ साथ हम पढ़ेंगे अगर बीच में हाइड्रोजन जैसा चीज डाल दिया जाए तो उससे उसके स्पेक्ट्रम पे कैसा प्रभाव पड़ता है, वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और उससे एटम के बारे में क्या मालूम चलता है, क्या हाइपोथेसिस डेवलप होती है, नील्स बोर के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, तो
आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, अच्छे से प्रिपेयर होकर बैठो आप लोग।